तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों का रिव्यू, दोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हेल्पफुल होने वाली है अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करने के बारे में सोच रहे हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वीडियो को देखते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए, और एक आपको अमेजिंग का मैजिक भी देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस टैबलेट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो वन प्लस ब्रांड का ये टैबलेट है, और इसकी एमआरपी काफ़ी हाई होने वाली है। काफ़ी हाई एमआरपी का ये टैबलेट आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। काफ़ी कॉस्टली ये टैबलेट होने वाला है, क्योंकि ये वन प्लस ब्रांड का ये टैबलेट है। तो इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक इसका बैटरी का बैकअप कैसा होगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, गेमिंग के लिए कैसा होगा, ओके, अगर आप इसको स्टडी के लिए बाय करना चाहते हो तो कैसा होगा, तो आपका हर एक डाउट फ्रेंड्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं एक नया यूट्यूबर हूं, तो आप सभी फ्रेंड्स से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं फ्रेंड्स। और मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, देयर आफ्टर मैं भी प्रोडक्ट को बाय करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होप है आप सभी लोग समझते हो। तो कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये टैबलेट का लुक भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है, वन प्लस ब्रांड का ये टैबलेट होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, ये देखो, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि भाई इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस टैबलेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल नेम की, इस टैबलेट का मॉडल नेम क्या होने वाला है। तो इस टैबलेट का जो फ्रेंड्स मॉडल नेम है, वन प्लस पैड, ओके, आप ये कह सकते हो वन प्लस पैड इस टैबलेट का मॉडल नेम होने वाला है। इसमें आपको 8 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और स्क्रीन के साइज़ की बात करें तो आपको लार्ज का स्क्रीन का साइज़ देखने को मिल जाता है, 11.61 इंच का आपको HD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। MRP की बात करें भाई, तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी MRP बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, 37,999 रुपये आपको देखने को मिल रही है, समथिंग 38,000 रुपये के आसपास। बट ये MRP कोई फिक्स MRP नहीं है भाई, ये डे बाई डे प्लस माइनस होती रहती है, 2-3 हज़ार रुपये प्लस माइनस होती रहती है, ये कोई फिक्स MRP नहीं। यहाँ पे आपको 35,999 रुपये देखने को मिले, तो ये इतनी भी हो सकती है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई ये प्लस माइनस होती रहती है। तो अगर आपके पास पैसा आने का अच्छा खासा सोर्स है, आप जॉब करते हो, आपको लाइक 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है या फिर इससे भी ज़्यादा मिलती है, या फिर आप बिजनेस करते हो, ओके, या फिर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंटेड जॉब करता है, तो आप इसको बाई कर सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो भाई ये आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला है, आपको ये बाई कर मत करना हो कि आप कोई सेकेंड हैंड कोई दूसरा बाई कर सकते हो, या रियलमी का 10-11 हज़ार रुपये के बीच में बाई कर सकते हो। इसमें आपको 8 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 11.61 इंच का आपको HD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कैमरे की, तो आपको जो बैक का कैमरा देखने को मिलेगा वो 13 एम्पियर का, आपको बैक का पीछे का कैमरा 13 एम्पियर का देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर सेल्फी कैमरे की, तो आपको 8 एम्पियर का फ्रंट का सेल्फी का कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसका प्रोसेसर भी बेस्ट होने वाला है, तो आप ये गेमिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट होगा और स्टडी के लिए भी काफ़ी बेस्ट होगा, या फिर आप मूवी वॉच करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 9,510 mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है, जो भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है। तो फीचर्स भी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी होने वाली है। जो बैड क्वालिटी है भाई, वो ये है कि इसकी MRP बहुत ज़्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग इसकी MRP 15-16 हज़ार रुपये के आसपास ही होनी चाहिए थी, बट भाई बहुत हाई MRP है इसकी, ओके।
अब अगर किसी लोगों ने बाई किया है उनका क्या फीडबैक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिन लोगों ने इसको बाई किया है, अगर आप इसको बाई करते हो ना तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो भाई आपको स्क्रीन का लुक भी देखने को मिला है, काफ़ी बेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। ये देखो, ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, ये देखो कुछ ये आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, ये देखो। तो भाई टैबलेट तो बेस्ट होने वाला है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी MRP ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास पैसा आने का सोर्स कैसा क्या है। ओके, आप कोई अच्छी जॉब करते हो, ओके, या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, ओके, तो भाई आप इसको बाई कर सकते हो। अदरवाइज आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पॉकेट में इतना बैलेंस नहीं रहता है कि आप इस टैबलेट को बाई कर सको, तो आप क्या कर सकते हो, आप रियलमी पैड मिनी, ओके, जो 9,000 10,000 11,000 रुपये के आसपास मिल जाता है, और भी बहुत से लिनो का बाई कर सकते हो जो आपको 9,000 10,000 11,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो आप वो बाई कर सकते हो अपने पॉकेट बैलेंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो फ्रेंड्स ये वीडियो इतना ही है। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है कि भाई ये बाई करूं या कोई दूसरा बाई करूं, मेरे पॉकेट में इतना बैलेंस है, क्या करूं क्या ना करूं, कोई भी आपका कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूंगा फ्रेंड्स, अदरवाइज उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो ये वीडियो इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय, ऑल द बेस्ट।